हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम चाइल्ड केयर विद डॉक्टर सुरेश जी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, शिशु को ठोस आहार की शुरुआत कैसे करें, फर्स्ट सॉलिड फूड ऑफ बेबीज। वैसे तो जन्म से लेकर के 6 महीने तक बच्चा जो दूध पीता है, चाहे वो माँ का हो चाहे फॉर्मूला मिल्क हो, उससे उसकी हर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा होने के लिए ये दूध कम पड़ने लगता है, और साथ में ही बच्चे के शरीर में भी हमको कई इस तरह के डेवलपमेंटल साइंस नज़र आने लग जाते हैं, जिससे हमको लगता है कि बच्चे को अब सॉलिड खाना खिलाने का समय हो गया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर के सभी ऑथोरिटीज़ ने, इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, सॉलिड फूड स्टार्ट करने का उम्र 6 महीने रखा है। इसी को हम वीनिंग भी कहते हैं और इसी को हम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी कहते हैं। वैसे तो ये समय बहुत आनंद का रहता है, उत्साह से भरा हुआ रहता है। कई कई कम्युनिटीज़ में तो इस चीज़ को सेलिब्रेट भी किया जाता है, लेकिन ये हर पेरेंट्स के लिए चुनौतियों भरा है, बहुत कन्फ्यूजिंग भी है। अगर ये ठीक से मैनेज नहीं किया जाए तो ये बाद में बहुत प्रॉब्लम्स हम लोगों को दे सकता है। तो आइए, इस वीडियो में हम आज सिंपल वे में इस वीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं कि हमको बच्चे को सॉलिड क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको हर तरह की जानकारी मिल सके। कुछ बातों का हमको विशेष ध्यान रखना है, जिससे हमारा बच्चे का हेल्थ अच्छा रहे, साथ में हमारे परिवार की, समाज की व देश की हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। सबसे पहला चीज़ है कि हम जो भी बच्चे को खिलाएं वह कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नंबर 2, जो भी खिलाएं वह लोकली इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, मौसम के अनुसार जो चीज़ें मिलती है वही खिलाना चाहिए, स्पेशली वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। हमें बच्चे को वो चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए जो ट्रेडिशनल है, जो हमारे पूर्वजों ने भी चलाई थी और अभी भी चल रही है। जैसे बच्चे को खिचड़ी हलवा हमारे इंडियन कल्चर में खिलाना बनता है। जो भी खिलाएं होम प्रिपेयर्ड होना चाहिए, अच्छी तरह से मेस किया हुआ होना चाहिए, अच्छी तरह से कुक किया हुआ होना चाहिए, जिससे बच्चा उसको अच्छी तरह से निगल सके, चबा सके, वह अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी कर सके। जो भी हम बच्चे को खिला रहे वो चीज़ें न्यूट्रिशनली एडुकेट होनी चाहिए, जिसमें बच्चे को भरपूर कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, सभी न्यूट्रिएंट्स उसको पूरी मात्रा में मिल जाए। अब हमें कुछ साधारण बातों को व कुछ नियमों को जानना और सीखना है, जिनके अनुसार बच्चा धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ता हुआ नया नया खाना खाना सीखता रहे और अल्टीमेटली कुछ दिनों बाद बच्चे को कंप्लीट बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट मिलने लग जाए। शुरू के दिनों में यह चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि बच्चा कितना खा रहा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा क्या खा रहा है और कैसे खा रहे हैं, क्योंकि 6 से 12 महीने की उम्र में भी बच्चे का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति 50% से ज़्यादा तो दूध से ही होनी है। इसलिए हमको कोई भी उतावलापन नहीं दिखाना है, और वैसे भी बच्चा इस उम्र में जो भी सीखेगा जिंदगी भर वो वैसा फॉलो करेगा, इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। इस सब्जेक्ट को मैंने मेरी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो कॉमनली क्वेश्चंस पेरेंट्स द्वारा पूछे जाते हैं, उन्हीं के आधार पर और उसी हिसाब से मैं इसको बना रहा हूं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहे। सबसे पहला प्रश्न रहता है कि हम कब खिलाएं और कितनी बार खिलाएं। उम्र के हिसाब से बच्चा 6 महीने का होना चाहिए, और प्रतिदिन के हिसाब से हम सोचें तो माँ और बच्चा दोनों कम्फर्टेबल हो, बच्चे को जो भूख लग रही हो और बच्चा पूरा जगा हुआ हो। कभी भी सोते हुए हालत में बच्चे को नहीं खिलाना चाहिए, ये चीज़ अच्छी तरह से हर पेरेंट्स को समझना है।
शुरू में हम दिन में सिर्फ एक बार बच्चे को खिलाएंगे, शुरू में सिर्फ एक बार हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एक एक सप्ताह के अंतर पर हम उसको एक एक फीडिंग बढ़ा सकते हैं और बच्चा सातवां महीना पूरा होते होते 3 से 4 बार सॉलिड खाने लायक हो जाए, ऐसा हमको उसको बनाना है। कितना खिलाएं? शुरू में बच्चे को हमको एकदम कम खिलाना है, 1 से 2 चम्मच। जैसे जैसे बच्चा एक्सेप्ट करता रहे वैसे वैसे हमको उस खाने की मात्रा को एक एक चम्मच से बढ़ाना है जब तक बच्चा हमारा कंफर्टेबल रहे। मतलब इतना तक हम पहुंच सकते हैं जिससे बच्चा हमारा कंफर्टेबल रहे। हर बच्चा अलग अलग होता है। कई बच्चे जब आप उनको नया फूड देते हो तो वो तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और कई बच्चे उसको रिजेक्ट करते हैं। इस रिजेक्शन का मतलब परमानेंट रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को कोई भी एक फूड एक्सेप्ट करने के लिए उस फूड की लुक, उस फूड की टेस्ट, उस फूड की स्मेल, उस फूड का टेक्सचर, इन सभी बातों को बच्चे को एक्सेप्ट करना होता है। कई बार इन सब बातों को समझने के लिए बच्चे को 11 टू 12 मतलब 11 से 12 अटेम्प्ट भी हम लोगों को लेने पड़ सकते हैं और लेने चाहिए। अगर 11 से 12 अटेम्प्ट लेने के बाद में भी बच्चा उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करे तो एक बार हमको वो आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए और कुछ सप्ताह बाद हम वही फूड उसको फिर से एक बार रीट्राई कर सकते हैं। जब भी कोई नई चीज़ बच्चे को दी जाती है तो सबसे पहले देखने में वो अच्छी होनी होगी, उसकी स्मेल बच्चे को पसंद आनी होगी, उसके बाद बच्चे के जब मुंह में जाएगी तो बच्चे को उसका टेस्ट पसंद होना पड़ेगा, फिर जब वो बच्चा उसको निगल लेगा उसके पेट में चली जाएगी तो उसके उस खाने को बच्चा डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी भी उसमें होनी पड़ेगी। कहने का मतलब हर स्टेप पर एक्सेप्टेंस जरूरी है, तभी बच्चा उस खाने को खा पाएगा और उसको डाइजेस्ट कर पाएगा और ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए हमको स्लोली एंड स्टेडीली आगे बढ़ना है। हर बच्चे की लाइक और डिसलाइक भी अलग अलग होती है, हमें उसका ध्यान रखना है। यह भी जरूरी नहीं कि रोजाना बच्चा सेम चीज़ को सेम क्वांटिटी में खा लेगा। बच्चे का मूड व बच्चे की एपेटाइट चेंज होती रहती है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को नॉर्मल मान करके एक्सेप्ट करनी है। कभी भी बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करें, नो फोर्स फीडिंग। खाने का जो समय है उसको खुशी का माहौल बना करके रखें, उसको युद्ध का मैदान नहीं बनाना है। अगला प्रश्न जो कॉमनली पूछा जाता है कि हम उसको कितना मोटा वे किस टेक्सचर का खाना खिलाएं। शुरू शुरू में हम जो भी खिलाएं पतला पेस्ट के जैसा, मतलब दूध से वो थोड़ा गाढ़ा हो, और अगर हम उसको चम्मच में लें और चम्मच को हम थोड़ा सा उल्टाएं तो वो उसमें से गिरना नहीं चाहिए। वो इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए कि बच्चा जब उसको मुंह में रखे तो बच्चा उसको इधर उधर मुंह में घुमा सके और फिर उसको निगल सके। और इस स्टेज के बाद में हमको धीरे 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 जैसे जैसे बच्चा एक्सेप्ट करता है वैसे वैसे हम उसको धीरे धीरे खाने को मोटा करते जाएंगे और ऐसा बना देंगे कि बच्चा पूरी तरह से चबाना सीख जाए और चबा करके निगलना सीख जाए। कैसे खिलाएं? बच्चे को बैठा करके खिलाना है। अगर बच्चा बिना सपोर्ट के बैठ सकता है अच्छी बात है, नहीं तो सपोर्ट दे करके बैठाना है। बच्चे को हम हमारे हाथ से या चम्मच से खिला सकते हैं। कभी भी बोतल में भर करके सेमी सॉलिड या सॉलिड फूड खिलाने की प्रचेष्टा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी चम्मच से, सीपर से या छोटे कप से दे सकते हैं। अगर बच्चा स्वयं खाना खाना अपने हाथ से खाना चाहे तो उसको अलाउ करना चाहिए। अगर बच्चा चम्मच बीच में पकड़ना चाहे तो उसको हमको अलाउ करना चाहिए। और 9 महीने के होते होते हम उस बच्चे को अंडर सुपरविजन फिंगर फूड्स भी दे सकते हैं। बच्चे को क्या खिलाएं? हमारा सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने का और ये खिलाने का एक ही एम है कि हमारे बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हर तरीके से पूरी हो, उसको कैलोरी भी भरपूर मिले
और हर तरह का न्यूट्रिएंट भी उसको पूरा मिले। शुरू में हम हमेशा एक चीज शुरू करेंगे क्योंकि उस बच्चे को उस चीज की लुक, उसकी टेस्ट और उसकी स्मेल के प्रति रुचि होनी पड़ेगी, उस चीज को डाइजेस्ट करने की उसमें कैपेसिटी होनी पड़ेगी, और अगर कोई भी तरह की एलर्जी बच्चे के अगर है उस फूड के प्रति तो वो हमको पता होनी पड़ेगी। इसलिए हमको शुरू में कभी भी दो तीन चीज़ों को मिला करके नहीं देना चाहिए। शुरुआत हम हमेशा एक सिंगल आइटम से करेंगे। नया आइटम हम 7 दिन बाद इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब दो नए आइटम के बीच में हमको 7 डेज का गैप रखना है। जो फूड ग्रुप्स होते हैं उनमें से हमको एक एक करके शुरू करना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए हम सबसे पहले अनाज शुरू करते हैं, 1 सप्ताह बाद हम प्रोटीन के लिए दाल शुरू करेंगे, उसके 1 सप्ताह बाद हम विटामिन मिनरल्स एंड फाइबर के लिए फल व सब्जियां शुरू करेंगे। इन सब के बीच में 7 डेज का गैप रहेगा। घी, तेल, बटर, ये जब हम उस खाने को पकाते हैं उस समय यूज किया जा सकता है, जिससे बच्चे को फैट की, वसा की पूर्ति भी पूरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम पकाए हुए चावल का पाउडर या चावल की सूजी को सेक करके पानी या जो भी बच्चा दूध पी रहा है, चाहे माँ का दूध ही हो, उसमें मिला करके और पेस्ट बना करके हम उसको खिला सकते हैं। धीरे धीरे हमें उसकी मात्रा डे बाई डे बढ़ानी है। जब बच्चा एक्सेप्ट करे तो, अगर लगे कि बच्चा एक्सेप्ट नहीं करना है तो उसी स्टेज पर हमको कुछ दिन के लिए वेट करना है। अगर बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है तो 7 दिन बाद हम दूसरे समय पर दाल शुरू कर सकते हैं, और उसी प्रकार 7 दिन बाद हम एक सब्जी शुरू कर सकते हैं, और 7 दिन बाद हम एक फल शुरू कर सकते हैं। ये चारों तरह के आइटम जब बच्चा सिंगल सिंगल खाने लग जाए तो हम इन चीज़ों को अब मिक्स करना भी शुरू कर सकते हैं। हम 2 चीज़ों को मिला करके 2 मिक्स, 3 चीज़ों को मिला करके 3 मिक्स, और अनेक चीज़ों को मिला करके मल्टी मिक्स भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल, चावल, दाल, उसमें सब्जी मिलाई जा सकती है, उसमें फल भी मिलाए जा सकते हैं, और घी तेल से उनको प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे जैसे बच्चा सीखता जाए वैसे वैसे हर ग्रुप के आइटम्स को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे जो बच्चा पहले चावल खाना सीख चुका है उसको हम अब 1-2 महीना बाद में गेहूँ देना भी शुरू कर सकते हैं। जिसने मूंग दाल खाना शुरू किया था अब हम उसको एक दूसरा दाल देना भी शुरू कर सकते हैं। जिसने एक हरी सब्जी खाना शुरू की थी अब हम उसको दूसरी सब्जी देना शुरू कर सकते हैं। जिसने एक फल खाना शुरू किया था अब हम उसको दूसरा फल भी देना शुरू कर सकते हैं। हमको खाने की वेराइटीज और मात्रा दोनों को बढ़ाते रहना है, और हमको बच्चे को इस प्रकार का बना देना है कि 1.5 साल का बच्चा होते होते फैमिली फूड खाने लग जाए, फैमिली फूड शेयर करने लग जाए। हम बच्चे को क्या क्या नहीं खिलाएं, एनिमल मिल्क 1 साल की उम्र तक नहीं देना है, गाय का भी नहीं, बकरी का भी नहीं, भैंस का भी नहीं, हनी नहीं देना है, सोल्ट व शुगर की भी बच्चे को ज़रूरत नहीं होती है। ये जितने भी हम फूड ग्रुप्स के खाने हैं उन सब का अपना एक टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, बच्चे को वो नेचुरल टेस्ट और फ्लेवर सीखने देना चाहिए और वो बहुत हेल्दी होता है। एग वाइट नहीं देना है और सी फूड भी नहीं देना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एलर्जी कर सकते हैं। और क्या क्या बातों का हमको ध्यान रखना है, खाना बनाते समय व खिलाते समय हाइजीन का पूरा ध्यान रखने, अपने हाथों को भी अच्छा से धोएं, और जो भी बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं उन सबको भी अच्छा से क्लीन करना चाहिए। ऐसे आइटम्स बच्चे को नहीं देने चाहिए जिनसे चोकिंग होने का खतरा हो, गले में फंसने का डर हो, जैसे चना हुआ, मटर हुआ, अंगूर हुआ, बेर हुआ, चेरी हुआ, अनारदाना हुआ, नट्स हुआ। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि ये चीज़ें हम अवॉइड करें। फैक्ट्री में बना हुआ रेडीमेड खाना, प्रोसेस्ड खाना, पैकेज्ड खाना, कोला, एरेटेड और शुगरी ड्रिंक्स नहीं देने चाहिए। बच्चों को फ्रूट्स सिखाना है, जूस नहीं। टीवी, मोबाइल व अन्य स्क्रीन वाले जितने भी गैजेट्स हैं वो सब खाने के समय बंद रहने चाहिए। बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इनके सामने बैठ करके खाना।
खाना खाना। बच्चे जैसा देखते हैं उसी को फॉलो करते हैं, उसी की कॉपी करते हैं। हम जैसा खाएंगे, हम जो खाएंगे वही बच्चे देखेंगे और उसी को वो लोग शुरू भी कर देंगे। शुरू के महीनों में हम जैसा बच्चों को सिखा देंगे वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे और ज़िंदगी भर उन्हीं चीज़ों को खाते रहेंगे और अपने आप की हेल्थ को बहुत अच्छा बना करके रख सकते हैं अगर हम उनको अच्छा सिखाते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है, बहुत ही विशाल है। मैंने आप लोगों को एकदम सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, यूज़फुल रहेगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगा जवाब देने की। अगर आपने अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। थैंकिंग यू वेरी मच।